नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों में सबसे चौंकाने वाला परिणाम तेलंगाना का रहा। राज्य में के चंद्रशेखर राव की पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति की आंधी चली। टीआरएस ने तेलंगाना में बहुत बड़ी जीत हासिल की है। के चंद्रशेखर राव की टीआरएस ने अकेले ही बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े को पार कर लिया। के चंद्रशेखर राव यूं ही यहां तक नहीं पहुंचे हैं, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कालवा कुंतला चंद्रशेखर राव यानी कि के चंद्रशेखर राव का जन्म 17 फरवरी 1954 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई आंध्र प्रदेश में ही हुई। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने हैदराबाद का रुख किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलुगु साहित्य की पढ़ाई शुरू की। के चंद्रशेखर का पहली बार सियासी दुनिया से सामना हुआ और वो छात्र राजनीति के अखाड़े में कूद पड़े। चूंकि घर भी चलाना था तो उन्होंने बतौर एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट एक नई पारी शुरू की। वो आंध्र प्रदेश और दक्षिण के अन्य राज्यों के लोगों को खासकर खाड़ी देशों में नौकरी के लिए भेजने में मदद करने लगे। लेकिन कॉलेज के दिनों में सियासत का जो चस्का लगा था वो आसानी से नहीं छूटने वाला था। के चंद्रशेखर राव साल 1983 में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी में शामिल हो गए। 1985 में वो सिद्दीपेट जिले से चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बाद वो 4 बार लगातार इस सीट से जीतते रहे। इस दौरान 1987-1988 में वो मंत्री भी रहे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग पद भी संभाले। 1997 से 1999 तक केंद्रीय मंत्री रहे और 1999 से 2001 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ी और तेलुगु साहित्य के छात्र रहे के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य के निर्माण की मांग करते हुए तेलुगु देशम पार्टी से अलग हो गए। टीडीपी से अलग होने के बाद चंद्रशेखर राव ने 2001 में अपनी अलग पार्टी बनाई और इसका नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति रखा। टीआरएस के गठन के 3 वर्षों के बाद साल 2004 में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव के अखाड़े में उतरी और 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2004 में केंद्र में आई यूपीए की सरकार में राव बतौर श्रम और नियोजन मंत्री नियुक्त हुए। इस बीच अलग राज्य के गठन के मसले पर उनकी यूपीए सरकार से नाराजगी और टकराव जारी रहा। 2006 और 2008 में इस्तीफा भी दिया। हालांकि इसके बाद भी चीजें उनके मन मुताबिक नहीं हुई और अंततः 2009 में वो यूपीए से अलग हो गए। यूपीए से अलग होने के बाद केसीआर ने अलग राज्य के लिए जोर शोर से आंदोलन शुरू कर दिया और वो इस दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। इस हड़ताल के बाद अलग राज्य के मुद्दे ने जोर पकड़ा और अंततः 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बना और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बने। विशेषज्ञों की माने तो बतौर राज्य तेलंगाना के स्वरूप में आने के बाद केसीआर की लोकप्रियता जबरदस्त तरीके से बढ़ी। राज्य के हर वर्ग में केसीआर की पैठ बनी और विधानसभा चुनाव नतीजों में उन्हें इसका लाभ भी मिल गया और अब वो एक बार फिर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए हैं। खबर पर फिलहाल इतना ही। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए देखिए वन इंडिया हिंदी चैनल।